एक गीत तो ऐसे चलो, मैं दिल्ली से गई बम्बई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, माऊ ने मिलो सजना, यहाँ जाते हमारे छिकाऊ में कितने चाहिए यहाँ चले जाते साधे रे साहब ऐसे गीत लिखने मैं तो पसंद नहीं। ये गीत परम आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहब, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूं था, मेरे बारे में डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे मैं नहीं सुन रहा था, पता नहीं मेरे कानों में क्या होगा, पर एक थोड़ी सी बात जरूर मेरे याद आई कि ये आज के कवियाँ आज की बात करते हैं डॉक्टर साहब, आज के बहुत बड़े कवियाँ साहब, सच बता रहा हूँ मैं। एक बार एक कवि सम्मेलन में गए और कवि सम्मेलन में जाकर इन्होंने आज की कविता पढ़ना शुरू किया, इनकी जो पड़ोसन थी वो इनके पाठ को सुन रही थी। घर आके इनकी धर्मपत्नी से कहा, बहन आपके पति तो वोज की बहुत अच्छी कविता पढ़ते हैं। अरे बोल बहन मैंने तो कभी सुना ही नहीं। बोल परसों के रोज पहले मार्केट में कवि सम्मेलन है, बहन तू मेरे साथ चलना और उनकी वोज की कविता सुनना, बड़े गजब की तालियां बजती हैं। इनकी धर्मपत्नी को इनकी पड़ोसन लेके चल दी और ये जब उस कवि सम्मेलन में कविता पाठ शुरू किया इन्होंने, क्योंकि वोज के कवि हैं साहब, वोज के कवि तो वोज की बात करेंगे, अपन क्या करेंगे, जो अपन में बोझ ही नहीं है तो हम का वोज पढ़ेंगे। सही बात है। तो इन्होंने तो वोज के कवि थे साहब, वोज की कविता पढ़ना शुरू किया कि हम धारा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। सिरोर तान में थे, घरवारी खड़ी है कि बोली वो रंदा चड्डी बुनान बदले तो 15 दिन है ये तू का धारा गगन न बदले वो। बढ़िया। तो साहब अपन आज के कवि हैं, आज की बात करते हैं साहब, ये जितने कवि हैं साहब, ये कहते देख भाई साहब मैंने गीत लिखा है दिल से लिखा है। वो क्या कहता है, भाई साहब दिल से लिखा है, भाई साहब मैं आज का कवि हूँ, मैं का फेफड़ों से लिखता हूँ क्या? केवल थोड़ा अंतर है, मैं देखता हूँ जो लिखता हूँ साहब। सुबह सुबह मैं मेरे घर से चला, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ टुंडला में कवि सम्मेलन कविता पढ़ने। बोल ठीक है चले जाना पर थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने की पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवारी बोली शाम को दरिया तो है ही। गजब गजब। और खास कर तेरे लिए रखे हो, मैंने की क्या बात है जो मेरे लिए रखे हो। बोल रात इसमें कुत्ता महोदय को मुझे फेंकना पड़ता है, इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब मैं वही बस अड्डे पे आया, कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा, एक ने यह हाथ पकड़ा एक ने खींचने लगे बुरी तरह। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा ले चलेगा क्या। ड्राइवर बोलो बोल बाबा आ मेरे पहिया के नीचे तुझे आज इस पर। बढ़िया बढ़िया। ड्राइवर बोला बोल बाबा आ मेरे पहिया के नीचे तो आज ही सड़क पहुंचा हूं। मैंने कहा वो ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहां इसके 64 दांत। मैंने कहा मुझे पता है बीच में तू भी तो बोलेगा तो 32 तेरे 32। भाई साहब जिस बस में हम बैठे उसमें भाई पदम अलवेला जी थे उसी बस में, और जैसे हम बस में चढ़े मैंने कहा यार अलवेला जी मैं विकलांग हूँ, मुँह में दांत नहीं हूँ, बुड्ढा आदमी हूँ, तू थोड़ा यार सरक ले मेरे से, बोला पीछे जा। भाई साहब एक सज्जन से पीछे कहा मेरे भाई साहब बैठा, बोल बाबा आगे जा, भाई साहब आगे जा पीछे जा। 15 मिनट हो गई पर किसी ने बैठने को जगह नहीं दी, पर ड्राइवर बहुत अच्छा था बेचारा, जाने कब से मेरे को देख रहा था, और बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरे बोनट ये खाली बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया, गाड़ी 15 मिनट चली रुकी, कारोई पेंट कारी बुरसट कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करश्मा। भाई साहब बस में चढ़ी 1 मिनट खड़ी हुई, अलवेला जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी, लो मैं सरकता हूँ बैठ जाओ। मैंने कही चोरे बुढ़ापे हमारी बेर तो बाबा आगे जा बाबा पीछे जा, लेकिन भाई साहब सच बताऊँ वो किसी के पास नहीं बैठी, धीरे धीरे आके मेरे ही पास बोनट पर बैठ गई। गजब। हंसने की बात नहीं है साहब, अपनी अपनी किस्मत का खेल है सब। जब मैं भुसावर बस अड्डे पाया एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी, मैंने बोल क्या बात है, बोल 2 रुपया दे दो। मैंने क्या करेगा, बोल चाय पीऊंगा। अरे मैंने कमबख्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मेरे से मांगता तो 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी
जाकी जैसी हैसियत हुए हम बाप ऐसे ही पैसा मांगे। बढ़िया भाई। अलबेला जी मेरे साथ थे, मैंने तुरंत अलबेला की तरफ हाथ कर दिया। मैंने भाई साहब इनसे ले ले। भिखारी ने अलबेला को ऊपर देखा नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला, बाबू जी मैंने बोल क्या बात है। अरे बोले खुदाई भिखारी सो लग रो है हमको का देगो। भाई साहब भरतपुर बस अड्डे पाया एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबू जी। नहीं गर्दन इनकी कई बार पिचकी सीधी करनी पड़ी। बाबू जी मैंने बोल क्या बात है। बोल 10 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा, बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम मखत चाय 10 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला, बोल बाबू जी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कहा तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है। बोल साहब भाई के चक्कर में भिखारी बनो ने, तेरी तरह मैं हूँ हेलन में रह रहा हूँ। बढ़िया लीजिए भाई साहब, अब ज्यादा बहुत टाइम नहीं है साहब। जब मैं आपके यहाँ टूंडला में आया तो मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा और मेरे से बोले, बोल बाबा। मैं हाँ। बोला आप कहाँ जा रहे हो। मैं छिकाऊ जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो। मैं कब सम्मेलन में कब तक पढ़ूंगा। बोला आपका भी हो। मैंने कहा हाँ। बोला आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास कर आप बीमार हैं, आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक क्या कराऊंगा। अरे बोले अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा। और मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूँ, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था और इंटर किया तो मध्यम रह गया। और मैं डॉक्टर साहब जाता ना तो घरवाली घर में आइए वादा ना तो लो ही लो चल रहा। फिर भी डॉक्टर साहब नहीं माने साहब। सरंज लगाई 15 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना। मैं डॉक्टर साहब क्या है। बोले भाई साहब खून नहीं मिल रहा है। मैंने डॉक्टर साहब की सरंज को तोड़ा और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ करना साहब, कोई यहाँ डॉक्टर हो तो मैं कोई उड़ाओ यहाँ के डॉक्टरों की रचना अच्छा, नहीं अच्छा मैं सीधी सारी राजस्थान के उन डॉक्टरों की रचना पढ़ रहा हूँ जो मरीज का दाना पैर कटना था डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। कि एक मरीज की अंतिम कल्लई थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम कल्लई थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी, तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले, बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला और डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी बिनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलियुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे। मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं, क्या मेरी जगह आप नहीं मर सकते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत लीजिए साहब। मैंने कहा था मैं हाथ का कभी हूँ साहब। मेरी घरवाली ने कहा तेरी 65 साल की उम्र हो गई या हाथ लिखना बंद कर दे। तो मैंने कहा क्या लिखूँ। बोल वोज लिख। मैंने बाबरी मुई में बोझ नहीं है तो मैं वोज कहा लिखूँगा। बोल श्रृंगार लेख। मैंने कहा भगवान ने रंग रूप ही ना दिया तो मैं श्रृंगार कहा लिखूं। अरे तो बोल कमखत गीत लेख। मैंने कहा मैं गीत नहीं लिखूंगा, मेरे देश में साहब ऐसे ऐसे गीत चले जिन्हें भंटा ढार कर दिया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं जब छोटा था मेरे बाबा मेरे से कहते बेटा गीत गा, तब मैं गीत गाता था। काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नाती से कहूंगा बेटा तू गीत गा तो पता नाती क्या गाता है, सरकाले खटिया है जाड़ो लगे जाड़े में बलमा प्यार। ऐसे ऐसे गीत चले साहब। एक गीत तो ऐसे चलो मैं दिल्ली से गई बम्बई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना और पूना से गई पटना, माओ ने मिलो सजना यहाँ जाती हमारे छिकाऊ में कितने चाहिए यहाँ चले जाती। कहते रहे साहब ऐसे गीत लिखने मैं तो पसंद नहीं। ये गीत ऐसा चलो बोल तू जहाँ कहीं रहेगी मैं सूंघते सूंघते आ जाऊंगा कुत्ता है का। ये गीत ऐसे चलो बोल दिल में तुझे बसा के कर लूंगी बंदा के ईदे लगे पिक्चर होले। इसलिए साहब अपन गीत भी इतनी लिखते हैं, तो सीधे साधे आदमी सीधी शादी कब तक करते। सुबह सुबह का वक्त छोटा सा व्यंग कि सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी, सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो। अरे मैंने क्या सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ लो चाय पी लीजिए।
अरे मैंने कि कम्बख्त सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम्बख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी है। बहुत बढ़िया। मैंने कहा कम्बख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी ये कर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डिगिया को उठा लीजिए और मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने कहा आत्महत्या कर ले। अरे बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ ये पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा तू मेरी ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ। इधर ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चले आना। बड़े बेकट को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा, पर तू जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। और साहब अब मैं जाते जाते, अभी लिस्ट बहुत बड़ी है, एक छोटा सा व्यंग मेरा निवेदन है, या मेरा व्यंग अच्छा लगे तो मुझे तालियों से समर्थन देना, जबकि मैंने आपसे कभी ताली नहीं मांगी है। इस व्यंग के ऊपर ताली मांग रहा हूं कि मेरा छह वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला बोल पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। अरे मैंने कहने बेटे रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे बैठे नहीं राम के बाण से जलेगा। अरे बोल पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे बाण, फिर भी नहीं जलने श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दृश्य में भी चकराया, राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से दहाड़ता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोला रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? अरे तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला बोल मूर्ख तू कहां से आ रहा है, मुझे हर साल जलता देखता है फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो कश्मीर चला जा, समूचा संप्रदाय की आग में जल रहा है, जलना ही देखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब सिद्धियों का लेकर सहारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा भैया रावण जल जाओ, जनता परेशान है दिल मत दुखाओ। रावण बोला मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला यूं, अध्यापक परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, सूरज हमेशा सर्दियों में, बिजली वाले गर्मियों में, वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन आज हम हड़ताल करते हैं। क्या बात। मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूँ। रामचंद्र जी से आप समझौता, आप मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे राम से नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।